स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं कुमार अर्पित और आज हम जिस पॉलिटिकल फिलॉसफर को समझने की कोशिश करेंगे उनका नाम है जॉन लॉक। लॉक एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलॉसफर थे और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें जिस किताब में देखने को मिलती है वो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। जॉन लॉक जब अपनी इस वर्क को लिख रहे थे टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उस वक्त इंग्लैंड में एक इम्पॉर्टेंट घटना घटती है, एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और जिस घटना का प्रभाव हमें साफ तौर पे लॉक के इस वर्क में देखने को मिलता है, उनके फिलॉसफी में देखने को मिलता है, वो घटना थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति। इस घटना का प्रभाव क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो पावर है, जो सत्ता है वो मोनार्की के हाथों से निकलकर पार्लियामेंट के पास चली गई। 1688 से पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड एक राजतंत्र था, एक मोनार्की था, ठीक है। पार्लियामेंट वहां पर एग्जिस्टेंस में थी लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर बहुत ही कम था, जो रियल पावर था वो मोनार्की के पास था। तो मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता था। लेकिन 1688 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो पावर है वो मोनार्की के हाथों से लेकर पार्लियामेंट में स्थापित कर दिया जाता है। पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च बना दिया जाता है, सुप्रीम बन जाता है। और उसके बाद 1688 के बाद ब्रिटेन, इंग्लैंड एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में पूरे विश्व के सामने उभर कर सामने आती है और आज तक वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। वहां पे मोनार्की है लेकिन वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, नाम मात्र के लिए। उसका कोई पावर नहीं है, रियल पावर कुछ नहीं है, नाम मात्र के लिए। इट इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये जो रेवोल्यूशन, ये जो चेंज हुआ वो 1688 में हुआ और लॉक अपने इस किताब में टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, सही साबित करते हैं और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी हमें उनके इसी किताब में देखने को मिलती है। तो जैसा कि हमने हॉब्स के समय बताया कि पॉलिटिकल फिलॉसफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश हर फिलॉसफर करते हैं, जैसे कि सरकार, स्टेट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट, पॉलिटिकल कम्युनिटी, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उत्पत्ति कैसे होती है और हमारा जो ओबीडियंस है, जो हम पालन करते हैं राज्य के कानून का, निर्देशों का, कि हम पालन क्यों करते हैं। तो हॉब्स ने अपने तरफ से, अपने तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने अपना पूरा एक थ्योरी हमारे समक्ष रखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसे हमने देखा अपने प्रीवियस वीडियो में। लॉक भी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर करते हैं अपने फिलॉसफी में, लेकिन लॉक का आंसर हॉब्स के आंसर से अलग होगा, कितना अलग वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अपने इस आंसर को प्रेजेंट करने के दौरान लॉक कुछ नई नई बातें कहते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के वोकैबुलरी में, राजनीति के शब्दकोश में वो कई नई बातों को सम्मिलित करने वाले हैं अपने पूरे फिलॉसफी में और हम कई नई चीजों को जानेंगे अपने इस वीडियो में। लॉक के डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट, सहमति का उनका जो सिद्धांत है उसे हम समझेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये एक नई चीज है, फिलॉसफर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं सबसे पहली बार, कोई फिलॉसफर प्राइवेट प्रॉपर्टी को इतना इंपॉर्टेंस देता है। लॉक की जो कंसेप्ट है, जो उनका थ्योरी है प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर, वो हम देखेंगे। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो बुनियाद है, जो आधार है, वो लॉक ही रखते हैं अपनी फिलॉसफी में। सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, विद्रोह का सिद्धांत, वो भी लॉक देते हैं। तो इन सारी बातों को हम आज समझने जा रहे हैं लॉक के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था, राज्य के बारे में जानना है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानना है, राज्य की हमें जरूरत क्यों पड़ती है ये जानना है और राज्य का हम पालन क्यों करते हैं ये जानना है। तो राज्य के बारे में जब हमें जानना होता है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम उस अवस्था में चले जाएं जब राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जब राज्य, सरकार, गवर्नमेंट, अथॉरिटी थी ही नहीं। हॉब्स ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया, लॉक भी इस पद्धति का
प्रयोग करते हैं, जितने भी सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं हॉब्स, लॉक और हम आगे देखेंगे रूसो को, वो सभी स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और अभी मॉडर्न समय में जो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है जैसे जॉन रॉल्स, वो भी स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। तो लॉक भी स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई सरकार नहीं होगी, कोई राज्य नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई शासन नहीं होगा, कोई शासित नहीं होगा। ठीक है, ये एक अवस्था है पॉलिटिकल सोसाइटी के एस्टेब्लिश होने से पहले की अवस्था, जिसे हम स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। तो इस स्टेट ऑफ नेचर में सिचुएशन क्या था, लोग कैसे रहते थे, वो हम जानेंगे। और फिर अब स्टेट ऑफ नेचर से हम बाहर क्यों निकलते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था वो काफी पेसिमिस्टिक था, काफी डरावना था, जैसा कि हमने देखा था, वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। ठीक है, ये हमने देखा, पूरा कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन था, कॉम्पिटिशन, लड़ाई, जहां पर जो व्यक्ति का जीवन होता था वो नास्टी ब्रूटस शॉट, इस तरह से हॉब्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर से पूरी तरह से अलग। हॉब्स नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करते हैं अपने स्टेट ऑफ नेचर को, वहां ह्यूमन नेचर को वो नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन लॉक कहते हैं कि उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वैसा नहीं है। यहां पर पीस होगा, शांति, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, लोग यहां पे लड़ते नहीं फिरेंगे। ठीक है, शांति होगी यहां पे, हब के स्टेट ऑफ नेचर में शांति होगी, गुडविल होगा, भाईचारा होगा। ठीक है, लोग एक दूसरे का मदद करेंगे, ऐसी स्थिति होगी यहां पर। ऐसा क्यों, लॉक कहते हैं कि उनके स्टेट ऑफ नेचर को गवर्न कर रहा होगा एक लॉ ऑफ नेचर। हॉब्स के कंडीशन में हमने देखा कि लोगों को उस वक्त उनके स्टेट ऑफ नेचर में जो लॉ ऑफ नेचर होता है वो पता नहीं था, लेकिन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो गवर्न किया जा रहा होगा एक लॉ ऑफ नेचर से, नेचुरल लॉ। ये जो लॉ है ये इंसान ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। ठीक है, और लोगों को ये पता है, ये बेसिक कंडीशन आप समझ सकते हो कि साथ रहने का, साथ जीवन जीने का एक बेसिक कंडीशन है जो लोग जानते हैं, स्वतः जानते हैं, अपने आप लोगों को पता है, एक सहज ज्ञान है लोगों के भीतर, एक इंट्यूटिव नॉलेज है कि ये है लॉ ऑफ नेचर, और लोग इस लॉ ऑफ नेचर का पालन करते हैं। और इसलिए ये जो स्टेट ऑफ नेचर है लॉक का, ये पीसफुल है, यहां पे स्टेबिलिटी है, ऑर्डर है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉक के स्टेट ऑफ नेचर के अंतर्गत जो कानून है, प्राकृतिक कानून, वो क्या है। लॉक कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ नेचर है वो कहता है कि नो वन कैन हार्म एनी वन इन वंस लाइफ, लिबर्टी एंड पोजेशन। पोजेशन का मतलब है प्रॉपर्टी। ये एक एक कंडीशन की तरह है, एक नियम है, एक कानून है, जिसके बारे में हर किसी को पता है कि कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी किसी के स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दैट मीन्स कि मेरी जीवन, मेरा जीवन, मेरी स्वतंत्रता और मेरी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मैं किसी के जीवन, किसी की स्वतंत्रता और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह हर किसी को पता है। तो यह है लॉ ऑफ नेचर, और इस लॉ का पालन कर रहे हैं लोग। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, ये एक ड्यूटी है, एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, हर वक्त ध्यान में रखना है, जब आप स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हो, लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर से निकल कर आता है नेचुरल राइट। नेचुरल राइट क्या है, ये एक क्लेम होगा, ड्यूटी होता है आपका, दायित्व जो आपको करना है, क्लेम होता है जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ नेचर से निकल कर आएगा नेचुरल राइट। और नेचुरल राइट क्या है,
इस स्टेट ऑफ नेचर के अंतर्गत एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, हर किसी को जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है, ये मेरा राइट है। लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये मेरा अधिकार है, ये मेरा नेचुरल राइट है, लॉ कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंतर्गत। ठीक है, ये मेरा क्लेम है, ये मैं क्लेम कर रहा हूं, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, और ये मेरा दायित्व है कि मैं दूसरों के इस अधिकार का सम्मान करूं, ये मेरा दायित्व है। बस ये दो बातें हैं, और इन दो बातों को जब तक हम ध्यान से रखेंगे, अपने ड्यूटी को निभाएंगे, तो आपको अपना क्लेम भी मिलता जाएगा, तो जो सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर की वो हमेशा अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, तो यहां पर लाइफ और लिबर्टी तक तो बात समझ में आती है, और भी फिलोसफर्स ने लाइफ की बात कही है, लिबर्टी की बात कही है, लेकिन एक बात यहां पर समझ में नहीं आती कि लॉक जो है वो प्रॉपर्टी को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, नेचुरल राइट में वो प्रॉपर्टी को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। ये एक पहले फिलोसफर है जो कि प्रॉपर्टी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए लॉक को प्रोटो कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है, प्रोटो कैपिटलिस्ट यानी कि वो एक कैपिटलिस्ट फिलोसफर का एक प्रोटोटाइप है, एक प्रोटोटाइप है। लॉक के बाद जो रियल कैपिटलिस्ट फिलोसफर होंगे वो होंगे एडम स्मिथ, 100 साल के बाद, लॉक के जस्ट 100 साल के बाद एडम स्मिथ अपना फिलोसफी देंगे वेल्थ ऑफ नेशंस में, जो कि पूरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस बनेगा। तो यहां पर लॉक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पहला फिलोसफर प्रॉपर्टी की बात करता है, संपत्ति की बात करता है। ठीक है, संपत्ति को नेचुरल राइट कह रहा है, क्यों ये हमें समझना है। देखिए, लॉक का जो लॉजिक है उसे हम यहां पर समझते हैं। वो जिस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी भी हमारा एक नेचुरल राइट है, एक प्राकृतिक अधिकार है, वो बेसिस क्या है, वो आधार क्या है, वर्कमैनशिप आइडियल। ठीक है, वर्कमैनशिप आइडियल क्या कहता है, पहले इस आइडियल को समझ लीजिए। वर्कमैनशिप आइडियल क्या कहता है, इस आइडियल को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लॉक का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या था। वर्कमैनशिप आइडियल कहता है कि अ क्रिएटर हैज द राइट ओवर व्हाट ही क्रिएट्स। अगर मैं कुछ बनाता हूं तो जिस चीज को मैंने बनाया उस पे मेरा पूरा अधिकार होगा। ठीक है, तो लॉक कहते हैं कि बनाना क्या है, ये एक तरह का मेहनत है, एक काम है, एक लेबर है हम कर रहे हैं। तो जब हम अपना लेबर मिक्स करते हैं किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जो बनता है हमारा लेबर मिक्स करने के बाद, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हमारा प्रॉपर्टी बन जाता है। लॉक ये कहते हैं, जैसे कि एक खाली जमीन पड़ा हुआ है, खाली जमीन, वहां पर घास फूस उगे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं, घास वगैरह को मैं साफ करता हूं, वहां पे मैं हल चलाता हूं और वहां पर मैं खेती करता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट था, जमीन पड़ा हुआ था वेस्ट, मैंने उसमें अपना लेबर मिक्स किया, अपना श्रम को मिक्स किया। अब क्या मैं कह सकता हूं कि वो जहां जितने दूर तक मैंने अपना लेबर मिक्स किया वो पूरा का पूरा लैंड वो अब मेरा है, वो मेरा प्रॉपर्टी है। तो ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी ओरिजिनेट करता है लॉक के अकॉर्डिंग। इसे लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है वर्कमैनशिप आइडियल, यू द क्रिएटर इज द मास्टर ऑफ व्हाट ही क्रिएट्स, ठीक है, इसका इंप्लीकेशन देखिएगा कैसे होता है। लॉक पूछते हैं कि ह्यूमन बीइंग को किसने क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया। यहां पर लॉक जो है थियोलॉजी, रिलीजन का सहारा लेते हैं, ईश्वर को इन्वोक करते हैं, गॉड को इन्वोक करते हैं लॉक। लॉक कहते हैं कि हमें क्रिएट किया ईश्वर ने, गॉड ने। तो क्योंकि गॉड ने हमें क्रिएट किया है तो हम हुए, हमारा क्रिएटर कौन हुआ, गॉड, हम उसके क्या हुए, क्रिएशन। तो हमारे ऊपर अधिकार किसका होगा, गॉड का। ठीक है, हमारे ऊपर अधिकार किसका होगा, गॉड का, क्योंकि हम गॉड के प्रॉपर्टी है। तो
ये बात जब स्पष्ट हो गई तो एक और बात स्पष्ट हो जाएगी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे पर अधिकार नहीं कर सकता, मेरी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता का हनन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकता है, क्योंकि उसी ने मुझे क्रिएट किया है और मैं उसकी प्रॉपर्टी हूं। किस तरह से लॉ कनेक्ट कर रहे हैं यहां पर देखिए, लिबर्टी को प्रॉपर्टी से। तो क्योंकि हर इंडिविजुअल को ईश्वर ने क्रिएट किया है, तो हर इंडिविजुअल इक्वल होगा एक दूसरे के नजर से। मुझे भी ईश्वर ने क्रिएट किया, आपको भी ईश्वर ने क्रिएट किया, हम दोनों किसके प्रॉपर्टी है? ईश्वर के। मैं आप पे रूल नहीं कर सकता या आप मुझ पे रूल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम इक्वल है। ठीक है, मैं आप पर शासन नहीं कर सकता, मैं आपके जीवन का हनन नहीं कर सकता, आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरा आपके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं। इसीलिए सीधी सी बात है, बिकॉज यू आर नॉट माई प्रॉपर्टी। अगर आप मेरे प्रॉपर्टी होते तो मैं शायद आपके लिए कुछ इस तरह का कर सकता था, बट ऐसा नहीं है। तो यहां पर देखिए, लॉक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को किस तरह से वर्कमैनशिप के आइडियल से जोड़ते हुए लिबर्टी और लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? फिर लॉक कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज अ प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल। मैन बाय नेचर इज प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल। जो लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है, वहां पे जितनी भी चीजें हैं वो सभी कॉमनली अवेलेबल है हर किसी के लिए। ये एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म का ऐसा सिचुएशन है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। मार्क्स, कार्ल मार्क्स अपने थ्योरी में बात करते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, एक ऐसी अवस्था जहां पर हर चीज सबके लिए अवेलेबल है। जब स्टेट ऑफ नेचर में हम होते हैं, जो शुरुआती दिन होती है स्टेट ऑफ नेचर में, तो जितनी भी संसाधन है प्रकृति की वो सभी के लिए अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, हम प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों में अपना लेबर मिक्स करते हैं और फिर उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम जितना चाहे उतना प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, ये भी हो सकता है, सीधी सी बात है। लॉक कहते हैं नहीं, कुछ लिमिटेशंस हैं। स्टेट ऑफ नेचर में सारी प्राकृतिक संसाधने फ्रीली अवेलेबल है, सभी के लिए कॉमनली अवेलेबल है सब कुछ। स्टेट ऑफ नेचर में आने के बाद हम क्या करते हैं, उन कॉमनली अवेलेबल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें अपना लेबर मिक्स करते हैं और उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक है, हर किसी के पास ये राइट होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सके अपना लेबर मिक्स करने के बाद। ठीक है, लेकिन लिमिटेशंस है। कैसे लिमिटेशंस? पहला लिमिटेशन है लेबर लिमिटेशन। लेबर लिमिटेशन का मतलब है कि हम उन्हीं उन्हीं चीजों को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएंगे जहां पे हमने अपना लेबर मिक्स किया हो, जिस पे हमने काम किया हो, श्रम का दान किया हो, वहीं उसी को हम अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएंगे। फिर एक है सफिशियंसी लिमिटेशन। सफिशियंसी लिमिटेशन मतलब हमें जितनी चीजों की जरूरत होगी, जितने प्राइवेट प्रॉपर्टी की जरूरत होगी, हम उतना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे नेचर से, जरूरत से ज्यादा नहीं। सफिशियंट जितना होगा आपके लिए बस उतना ही। स्पॉयलेज लिमिटेशन मतलब आपको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर ले रहे हो उसे फिर आप वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप उतना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करो जिसको आप यूज कर सको, जिसको आप वेस्ट नहीं करें। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है। तो ये था स्टेट ऑफ नेचर लॉक का, जहां पर सब कुछ सही चल रहा है, एक एक नेचुरल लॉ है जिसके बारे में लोगों को ज्ञान है, लोग जानते हैं, नेचुरल राइट है, अपने नेचुरल राइट के बारे में लोग जानते हैं। और नेचुरल लॉ कहता है कि किसी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचा सकता, ये कहता है, सभी को पता है ये कानून। और नेचुरल राइट क्या है कि मेरे पास अधिकार है अपने लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी को अटेन करने की। तो ये सब चल रहा है स्टेट ऑफ नेचर में। जो रिसोर्सेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए, लोग अपने लेबर को मिक्स कर रहे हैं फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज को और उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर एक्वायर कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है स्टेट ऑफ नेचर में? जब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना शुरू करते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम तब होती है। लोग जो है
जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉ जो है, लॉ ऑफ नेचर जो है, वो कहता है कि आप दूसरों के स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति का सम्मान करें, ये कहता है नेचुरल लॉ। लेकिन कितने हद तक सम्मान करें, किस हद तक सम्मान करें, ये सब बातें क्लियर नहीं है। ये एक सिंपल लॉ है जो सबको पता है, लेकिन अलग-अलग लोग इस लॉ का अलग-अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन कब आता है नेचुरल लॉ में? जब प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई जज नहीं है और कोई इन्फोर्सर नहीं है। लॉ जो नियम है उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। तो लोगों को क्या करना होता है, अब इस नेचुरल लॉ ऑफ नेचर को खुद ही लागू करना है। ठीक है, हो सकता है कि मैं मान रहा हूँ लॉ ऑफ नेचर को, लेकिन मेरा पड़ोसी है वो नहीं मान रहा, वो मेरे संपत्ति का सम्मान नहीं करता, मेरे संपत्ति में वो इनक्रोच कर ले रहा है। ठीक है, उसे मेरे लिबर्टी की चिंता नहीं है और वो नेचुरल लॉ को नहीं मान रहा, मैं तो मान रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो मुझे उसे मनवाना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा कि तुम भी मानो, तुम भी फॉलो करो नेचुरल लॉ को। तो कोई अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है नेचुरल लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एक इंडिविजुअल को खुद ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है नेचुरल लॉ को। ठीक है, मान लीजिए डिस्प्यूट अराइज हो गया दो व्यक्ति के बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर। मैं कह रहा हूं कि ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है कि ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? कोई जुडिशरी नहीं है, कोई जज नहीं है, तो उस वक्त हमें खुद रिजॉल्व करना होगा। मान लीजिए कहीं पर कोई डिस्प्यूट हो गया नेचुरल लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर। मैं कह रहा हूं कि इस नेचुरल लॉ का ये मतलब है, मेरा पड़ोसी कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा मतलब गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। तो इंटरप्रेट कौन करेगा? यहां पर प्रॉब्लम हो गया है। तो स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्फ्लिक्ट आता है तब जब लोग जो है खुद ही नेचुरल लॉ के इंटरप्रेटर बनते हैं, खुद ही लोगों को इस लॉ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो खुद ही लोगों को जज बनना पड़ता है। तो जब हर काम खुद करना पड़ता है तो यहां पर एक प्रॉब्लम आता है पार्शियलिटी का। ठीक है, अगर मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है और डिसीजन मैं ले रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मैं अपने फेवर में लेने की कोशिश करूंगा, और अगर मेरा पड़ोसी डिसीजन ले रहा है तो वो अपने फेवर में लेने की कोशिश करेगा। जब हम मैं अपने फेवर में लूंगा, उसे पता चल गया, तो वो शायद वो मेरे से लड़ाई कर ले। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे आने लगता है स्टेट ऑफ नेचर में, लॉ के स्टेट ऑफ नेचर में। क्यों? क्योंकि लोग खुद ही जज हैं, खुद ही एग्जीक्यूटर है, खुद ही इन्फोर्सर है नेचुरल लॉ के। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है, और कॉन्फ्लिक्ट मेनली प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे जैसे लोगों के पास बढ़ता जाता है, कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और फिर धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर का, जो पहले पीसफुल था, गुडविल था, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, ये भी सिचुएशन अब खराब होने लगता है स्टेट ऑफ नेचर का, और डिफिकल्ट होने लगता है। हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर की तरह धीरे धीरे ये स्टेट ऑफ नेचर बनने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर भी वही प्रॉब्लम हुई। अब स्टेट ऑफ नेचर यहां पर भी अनस्टेबल हो गया, लॉक का स्टेट ऑफ नेचर अनस्टेबल हो गया। अब जो हमारा नेचुरल राइट है, अब उस नेचुरल राइट का भी प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा, हमारा लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा। नेचुरल लॉ जो है, जो कहता है कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को हमें सम्मान करना है दूसरों का, ये भी नहीं हो पा रहा। तो सिचुएशन काफी ग्रिम हो गई, काफी भयावह कंडीशन हो गई है, अनस्टेबल कंडीशन। तो अब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकला जाए। कैसे बाहर निकला जाए? बाहर निकलना होगा अनस्टेबल, इस इनस्टेबल सिचुएशन से, क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। कैसे? तो यहां पर भी लोग वही करेंगे जो हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना। लेकिन ध्यान रखे कि हॉब्स के लोगों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और लॉक के लोग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो टोटली डिफरेंट होगा। हॉब्स के लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना के एक सॉवरेन को एस्टैब्लिश किया है, एक एब्सोल्यूट मोनार्क, एक एब्सोल्यूट रूलर को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। लेकिन यहां पर लॉक ऐसा नहीं कहते,
लॉ कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा लोगों के बीच में जो आम सहमति पर बेस्ड होगा, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद लोग जो है अपने आप को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में तब्दील कर देंगे। पहले ये क्या था, जस्ट एक सोशल कम्युनिटी था, सोशल कम्युनिटी था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या था, सिंपल एक कम्युनिटी था। लेकिन अब क्या ये कम्युनिटी बन जाएगा, पॉलिटिकल कम्युनिटी बन जाएगा। अब जो लोग हैं अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉलिटिकल कम्युनिटी में। और अब ये जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, अब ये डिसीजन लेगी, डिसीजन लेगी मेजॉरिटी रूल के बेसिस पे। और डिसीजन लेकर ये एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है, अब ये जो गवर्नमेंट का काम क्या होगा, लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम होगा। तो इस टेबल में हम समझते हैं पूरी की पूरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, लॉक की। बहुत ही आसानी से इस चार्ट में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर, नीचे से देखिएगा, पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर, बाहर निकलना चाहते हैं स्टेट ऑफ नेचर से लोग। सिचुएशन क्योटिक हो चुका है, डिस्टर्बिंग हो चुका है, डिफिकल्ट हो चुका है लाइफ। तो सभी अपना एक आम सहमति देते हैं, एक कंसेंट देते हैं लोग कि हमें अब बाहर निकलना है। और अपनी इस आम सहमति के बेसिस पे लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि अब जो है हम सभी अब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होंगे। अब हम सभी एक क्या होंगे, पॉलिटिकल कम्युनिटी होंगे। एक सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का निर्माण। हॉब्स के केस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा क्या था, एक सॉवरेन का निर्माण, एक संप्रभु का निर्माण, ठीक है, जो रूल करेगा लोगों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का निर्माण, ठीक है। और लोग अपना कंसेंट दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। अब ये जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ये लोग ही हैं जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग थे, जो संगठित नहीं थे, अब ये संगठित हो गए एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में। अब ये अब लोग क्या कहेंगे, लोग अपना सारा अधिकार दे देंगे इस पॉलिटिकल कम्युनिटी को। वो कहेंगे कि अब ये पॉलिटिकल कम्युनिटी डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अब ये जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ये डिसाइड करता है कि अब हमें एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है, ठीक है। अबे हमें एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है। तो ये जो डिसीजन है, ये पॉलिटिकल कम्युनिटी डिसीजन कैसे लेगा, मेजॉरिटी रूल के बेसिस पे लेगा, मेजॉरिटेरियन रूल के बेसिस पे लेगा। तो इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो मेजॉरिटी है, वो जिस तरह के गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, वो गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। सबसे पहले होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनता है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, और पॉलिटिकल कम्युनिटी मेजॉरिटी रूल के बेसिस पर एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होगा, इस बात को लेकर लॉ क्लियर नहीं है। वो डेमोक्रेसी भी हो सकता है, एरिस्टोक्रेसी भी हो सकता है, और मोनार्की भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाएगा इस पॉलिटिकल कम्युनिटी के द्वारा, और इस गवर्नमेंट को फिर फंक्शन दिया जाएगा, रोल दिया जाएगा। लॉक बोलते हैं तीन तरह के मेन फंक्शन दिए जाएंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा, उसका मकसद क्या होगा, लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करना, दैट मीन्स लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। और एक और फंक्शन दिया जाएगा इस गवर्नमेंट को, फेडरेटिव फंक्शन, और फेडरेटिव फंक्शन का मतलब है फॉरेन अफेयर्स। तो जो पड़ोसी राज्य हैं, मुल्क हैं, उनके साथ कैसे रिश्ता बनाना है, फॉरेन अफेयर्स कैसे मेंटेन करना है, वो करना होगा इस गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लॉक का। अब लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेंट, सहमति का सिद्धांत। देखिए, लॉक से पहले कभी भी किसी फिलोसोफर ने ये बात नहीं की था कि लेजिटिमेसी ऑफ अ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड। ये बात किसी ने नहीं की थी, इवन हॉब्स ने भी नहीं की थी। हॉब्स का जो सॉवरेन था, वो
बनाया गया था, और बनने के बाद हॉब्स का जो सॉवरेन था वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट था, वो कुछ भी कर सकता था लोगों के साथ, लोग चाहे या ना चाहे, सिवाय एक चीज को छोड़ के, और वो क्या था, लोगों का जान लेना, लोगों को मारना और लोग किल करना, इसको छोड़ के हॉब्स का सॉवरेन कुछ भी कर सकता था। लेकिन लॉक कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनेगी और वो जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो गवर्नमेंट रन करेगा लोगों के कंसेंट के बेसिस पे, कंसेंट ऑफ द गवर्न। ये जो बात है, यहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, लिबरलिज्म की शुरुआत होती है, ठीक है, कंसेंट ऑफ द गवर्न। लॉक से पहले ये बात किसी फिलोसफर ने नहीं की, ठीक है। मोनार्की जो रूलर्स थे उन्हें ये पता भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। तो लॉक कहते हैं कि एक सरकार का औचित्य, उसका लेजिटिमेसी इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उस सरकार को, उस सरकार के द्वारा शासित होने वाले लोगों ने सहमति दी है या नहीं दी है, ठीक है। कंसेंट की बात हॉब्स भी करते हैं, लेकिन हॉब्स कहते हैं कि अगर लोग कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो उन्हें फोर्सफुली कंसेंट देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन लॉक कहते हैं नहीं, कंसेंट देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाना जाएगा, जो कंसेंट होगा वो यूनानिमस होगा, सभी को मिलकर देना होगा, ठीक है। और लॉक दो तरह की कंसेंट की बात करते हैं, एक है एक्सप्रेस्ड कंसेंट और एक है टेसिट कंसेंट। एक्सप्रेस्ड यानी कि जो हम खुले रूप में कंसेंट देते हैं, दैट मीन्स कि जहां पर स्पष्ट होता है हमारा सहमति देना, कंसेंट देना, हमारी सहमति जो होती है सरकार को लेकर वो स्पष्ट होती है, एक्सप्रेस्ड होती है। जैसे कि जब हम लिटरली कहते हैं कि आई विश टू बी अ मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड आई एग्री टू फॉलो इट्स लॉज, इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, तो ये एक्सप्रेस्ड कंसेंट हुआ। और एक होता है टेसिट कंसेंट, जो कि हम खुले रूप से नहीं कहते हैं लेकिन हमारा व्यवहार जो होता है वो बता देता है। जैसे जब हम सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स को यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक सहमति दे रहे हैं सरकार को अपने तरफ से, तो ये एक कंसेंट है। और लॉक का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत, वो है विड्रॉवल ऑफ कंसेंट, राइट टू रिवोल्ट। लॉक कहते हैं कि हाँ, हमने सरकार को कंसेंट दिया, सहमति दिया रूल करने का, हमारे ऊपर शासन करने का सहमति हमने दिया, लेकिन क्या ये सहमति को हम विदड्रॉ कर सकते हैं, क्या इस कंसेंट को हम विदड्रॉ कर सकते हैं? लॉक कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं। सिचुएशन क्या है? पहला कंडीशन कि जब गवर्नमेंट जो है, जिस काम के लिए हमने गवर्नमेंट को बनाया, वो काम क्या था, नेचुरल लॉ जो है, लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का जो बात था, उसे मेंटेन करना, उसे लागू करना, अगर गवर्नमेंट ये लागू नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट हमारे लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनफैक्ट हमारे लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को वायोलेट कर दे रहा है, तो उस सिचुएशन में जनता के पास अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सके, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके फेंक सके, जो रूलर है उसे मार भी सके, और फिर एक नया गवर्नमेंट उसके जगह पे रिप्लेस कर सके, एस्टैब्लिश कर सके। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1776 में, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो फिलॉसफी थी वो इसी से प्रेरित थी। वहाँ पे भी क्या था, जो 13 कॉलोनीज थे इंग्लैंड के, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के विरुद्ध रिवोल्ट किया और अपने गवर्नमेंट को हटा दिया वहाँ से और खुद का अपना गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया, तो ये इसी से प्रेरित थी। तो ये था पूरा लॉक का थ्योरी, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, जो हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए फिलोसोफर के साथ मिलेंगे, जो होंगे जॉन जीन जैकवस रूसो, तो उन्हें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।